ओके, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हम वापस से आगे अपना नया टॉपिक लेते हुए, हमने लास्ट टाइम इंडेक्स नंबर सीखा था। इंडेक्स नंबर में हमने फर्स्ट टॉपिक सीखा था, जहां पे मैंने आपको सिखाया था दो तरह के इंडेक्स नंबर, दो मेथड्स इंडेक्स नंबर के, दैट वाज फिक्स्ड बेस एंड चेंज बेस। आज जो मैं टॉपिक आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है? हर बार इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको इंडेक्स नंबर दे या आपको प्राइस दे जिससे आप ऑटोमेटिकली इंडेक्स नंबर निकाल सको, जो भी आपको पसंद हो। मतलब गिवन प्राइस आप चाहो तो फिक्स बेस निकालो, आप चाहो तो चेन बेस निकालो, ये हर बार नहीं होगा। देयर आर पॉसिबिलिटीज समटाइम्स कि आपको कोई एक इंडेक्स नंबर दे दो और आपको कहा जाए दूसरे मेथड वाला इंडेक्स नंबर निकालो। फॉर एग्जाम्पल, आपको फिक्स बेस दे दे बोलेंगे भैया चेन बेस निकालो, या हो सकता है आपको चेन बेस इंडेक्स नंबर दे दे आपको बोलेंगे फिक्स बेस निकालो। तो हमें इसका बेसिक कन्वर्जन आना चाहिए, इसके लिए आज का हमारा टॉपिक है, जहां पे हम सीखने वाले हैं व्हाट आर द बेसिक मेथड्स ऑफ कन्वर्टिंग इंडेक्स नंबर। सो दो मेथड्स रहेंगे। पहला होता है कन्वर्जन ऑफ फिक्स्ड बेस इनटू चेन बेस, हमारा पहला मेथड होगा कन्वर्जन ऑफ फिक्स्ड बेस इनटू चेन बेस, और हमारा दूसरा मेथड होगा कन्वर्जन ऑफ चेन बेस इनटू फिक्स्ड बेस, हमारा सेकंड मेथड रहने वाला है जहां पे हम चेन बेस को फिक्स्ड बेस में कन्वर्ट करने वाले हैं। पहले मेथड की बात करते हैं। पहला मेथड जब है फिक्स्ड बेस टू चेन बेस, मतलब हमें फिक्स्ड बेस को चेन बेस में कन्वर्ट करना है। इसलिए ध्यान देना, हमारे पास गिवन रहेगा फिक्स्ड बेस और हमें निकालना रहेगा चेन बेस। हमारे पास गिवन रहने वाला है फिक्स्ड बेस, क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर दिया होगा और आपको उसको चेन बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे गिवन फिक्स्ड बेस रहेगा, हमें कन्वर्ट करना है चेन बेस में। जबकि जो दूसरा मेथड है दैट इज चेन बेस टू फिक्स्ड बेस, उसमें आपको गिवन रहने वाला है चेन बेस, आपके पास गिवन रहने वाला है चेन बेस और आपको उसको कन्वर्ट करना रहेगा फिक्स्ड बेस के अंदर। सो डिफरेंस समझते रहना, कंफ्यूज मत होना एग्जाम में। अगर एग्जाम में कहा गया हो कन्वर्ट फिक्स्ड बेस इनटू चेन बेस, मतलब क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड बेस डेटा अवेलेबल रहेंगे, और कहा गया हो चेन बेस इनटू फिक्स्ड बेस तो आपको क्वेश्चन में चेन बेस डेटा अवेलेबल रहेंगे। सो इन दोनों के साथ में आज हमें कन्वर्जन के टॉपिक्स को स्टार्ट करना रहेगा। मैं आगे बढ़ूंगा, पहले मेथड से स्टार्ट करेंगे। अब कन्वर्जन के फॉर्मुलेस और चेन बेस के फिक्स बेस के फॉर्मुलेस क्या होंगे वो मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, हमारा सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको हमारे सामने दिख रहा है, आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, आपको बोर्ड पे फोकस करना सब लोग। चेन बेस को जब आपको फिक्स बेस में करना होगा और फिक्स बेस को चेन बेस में करना होगा, दोनों के फॉर्मूले मैंने यहाँ लिखे हैं। पहला वाला होगा जब आपको क्वेश्चन में फिक्स बेस दिया हुआ है, ये वाला फॉर्मूले में आपको क्वेश्चन में फिक्स बेस दिया हुआ है और आपको चेन बेस में कन्वर्ट करना है। सो आपका फॉर्मूला रहेगा चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर। हमारे करंट ईयर का जो दिया होगा अपॉन प्रीवियस ईयर का जो दिया होगा मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा चेन बेस, हमें मिलने वाला है चेन बेस इंडेक्स नंबर। तो आपको याद रहना चाहिए पहला फॉर्मूला, अगर एग्जाम में फिक्स बेस दिया हुआ है और आपको चेन बेस निकालना रहेगा तो आपका पहला फॉर्मूला रहने वाला है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर या प्रीसीडिंग ईयर इंटू 100। वही दूसरा वाला फॉर्मूला, अगर आपको एग्जाम में चेन बेस दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन में कहा है फिक्स बेस निकालो, आपको क्वेश्चन में कहा है फिक्स बेस निकालो, तो आपका फॉर्मूला रहने वाला है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला फोकस करना, फॉर्मूला रहने वाला है चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इनटू, यहाँ पे फिक्स बेस है ध्यान देना, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, राइट। पहले वाले फॉर्मूले में दोनों के दोनों फिक्स बेस थे, जबकि नीचे वाले फॉर्मूले में एक चेन बेस है और दूसरा वाला फिक्स बेस है। बच्चे एग्जाम में बड़े कंफ्यूज होते हैं इसको लेके, इसलिए मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि इस फॉर्मूले में रहेगा चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर हमें फिक्स बेस तो दिया ही नहीं होगा, हमारे क्वेश्चन में तो आपने कहा खाली चेन बेस अवेलेबल रहेगा, तो फिक्स बेस कैसे किया जाएगा? डोंट वरी, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा जब हम एक सम प्रैक्टिस करेंगे। सो फिलहाल के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मुलेस डिफाइन किए, हम यहाँ पे दो फॉर्मुलेस पढ़ने जा रहे हैं। पहला फॉर्मूला हो गया जब हमें फिक्स बेस को चेन बेस में करना है, और दूसरा फॉर्मूला हो जाता है जब हमें चेन बेस को फिक्स बेस के अंदर करना रहेगा। साथ साथ में रनिंग नोट्स बनाना, स्क्रीनशॉट लेना बहुत आलस वाला काम होता है, आलसियों का काम होता है, मैं रिकमेंड नहीं करता। हमेशा से रनिंग नोट्स बनाना, मेरे साथ साथ फॉर्मुलेस कॉपी करते रहो, दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू पीपल, राइट। जस्ट कीप कॉपिंग द फॉर्मुलास फॉर यू पीपल, आपके लिए इतनी मेहनत की गई है, करेक्ट है ना। सो ये दो फॉर्मूले रह गए। अब मैं आपको दोनों के एक एक सम बताऊंगा, वो सम से आपका मैक्सिमम इश्यूज क्लियर हो जाएंगे, आई एम वेरी श्योर। एक एक सम हम दोनों क्वेश्चंस के करेंगे, आपके 100% इश्यूज क्लियर हो जाएंगे, ओके। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सम, मैं आपको अभी जो पहला सम करवाने जा रहा हूं दैट इज यू हैव टू फाइंड चेन बेस इंडेक्स नंबर।
आपको फाइंड करना है चेन बेस इंडेक्स नंबर। अगर हमें चेन बेस फाइंड करना है मतलब क्वेश्चन में हमें फिक्स्ड बेस दिया 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 ही होगा, 100% दिया होगा, राइट। इस बार मैंने क्वेश्चन आपके लिए पहले से लिख के रखा है, आपका टाइम बचे उसके लिए। हमें दे रखे ईयर्स, अलग अलग ईयर दे रखे 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, अप टू 16 मैंने ले रखे हैं। वहां पे हमें फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दे रखा है स्टार्टिंग विद 126 एंडिंग टू 177.2, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है। अब हमें कहा गया है यू हैव बीन गिवन फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर एंड यू हैव टू कन्वर्ट फिक्स्ड बेस इनटू चेन बेस इंडेक्स नंबर। हमें फिक्स्ड बेस को चेन बेस में कन्वर्ट करना है। हमें फॉर्मूला पता है फिक्स्ड बेस ऑफ करंट ईयर अपॉन फिक्स्ड बेस ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। फर्स्ट केस में फिक्स्ड बेस ऑफ करंट ईयर 126 दिया हुआ है, हमें प्रीवियस ईयर का दिया नहीं है। आपकी बुक ने माना है कि 2007 एट प्रीवियस ईयर है इसलिए उन लोगों ने 100 लिया होगा। जब भी कुछ नहीं कहा प्रीवियस ईयर हमेशा सेम लिया जाना चाहिए, मतलब वो 126 ही लिया जाएगा। इनटू 100 करेंगे सो हमारा आंसर आ जाएगा पहले का 100। हमने क्या किया, फिक्स्ड बेस ऑफ करंट ईयर 126 डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग ईयर व्हिच इज अगेन द सेम वन दैट इज 126 बिकॉज़ हमारे पास प्रीसीडिंग ईयर की इंफॉर्मेशन नहीं है, इनटू 100 तो हमारा आंसर आ गया पहले का 100। सेकंड वाला वापस से करंट ईयर हो जाता है 130.8 डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग ईयर हमारा प्रीवियस ईयर हो जाता है 126 इनटू 100। करंट ईयर मुझे दिया हुआ है 130.8, प्रीवियस ईयर मुझे दिया हुआ है 126 इनटू 100, सो मेरा आंसर आ जाएगा 103.81, ठीक है। अगेन एक और देखो, करंट ईयर दिया हुआ है मुझे 143, प्रीवियस ईयर मुझे दिया हुआ है 130.8 इनटू 100, सो मेरा आंसर आ जाएगा 109.56, ओके है। नेक्स्ट वन, करंट ईयर मुझे दिया हुआ है 156, दिस वन प्रीवियस ईयर मतलब पहले वाला 143.3, this is my current year and this is my previous year, okay, into 100 again, so mera answer aa jayega 108.93, mera answer aa gaya 108.93, bada hi simple hai, kuch nahi kar raha hu main, wapas se mera current year ho gaya 167.6, mera previous year ho jata hai 156.1, into 100 karunga, so mera answer aa jayega 107.37 is my answer। लास्ट के तीन और है, चलो कर लेते हैं, वैसे सेम ही है, कुछ नया नहीं है। हो जाएगा 177.6 डिवाइडेड बाय 167.6 इनटू 100, सो मेरा आंसर चला जाएगा 105.97 पे, ओके। अगेन नेक्स्ट वन, 181.2 डिवाइडेड बाय 177.6 इनटू 100, सो माय आंसर वुड बी 102.03 एंड द लास्ट वन 177.2 इज माय करंट ईयर इंडेक्स नंबर, लास्ट ईयर का है 181.2 इनटू 100 करूंगा सो माय आंसर वुड बी 97.79, राइट। सो सिंपल, बड़ा ही सिंपल सा लगा मुझे तो, ये नहीं लगा आपको, हमने कुछ नहीं किया है, करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100, करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100, दैट्स इट, इट इज एज सिंपल एज दिस। फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपके लिए, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं चाहूंगा फॉर्मूले को फोकस कर लो सब लोग, ये फॉर्मूला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, फॉर्मूले में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर और प्रीसीडिंग ईयर इनटू 100, दिस इज आवर फॉर्मूला। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ अस? बड़ा सिंपल था, ईजी था, अच्छा लगा सबको, कोई टेंशन हो तो आप मेरे को कमेंट में लिखते रहना, आपको कभी भी कोई इश्यूज हो तो 100% मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको सॉल्व करके देने की कोशिश करूंगा। फाइन इनफ, आगे बढ़ेंगे हम लोग अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी मैंने आपको बताया था जहां मुझे फिक्स बेस इंडेक्स नंबर निकालना है मेरे पास, सॉरी चेन बेस इंडेक्स नंबर निकालना है मेरे पास, क्वेश्चन में फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दिया हुआ था और मैंने चेन बेस में उसको कन्वर्ट किया। अब वाइसा वर्सा, आपका क्वेश्चन होगा वाइसा वर्सा, मुझे अब की बार मुझे क्वेश्चन के अंदर चेन बेस दे रखा है और मुझे उससे फिक्स बेस निकालना है। दिस इज जस्ट रिवर्स ऑफ प्रीवियस वन। अब की बार मुझे क्वेश्चन में चेन बेस दिया हुआ है और मुझे उससे फिक्स बेस निकालना रहेगा। जस्ट अ सेकेंड गाइस, ओके फाइन। सो अब मैं मेरे चेन बेस को फिक्स बेस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब की बार मैं मेरे चेन बेस को फिक्स बेस में करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन को समझते हैं, हमें क्वेश्चन में दे रखा है ईयर, हमारे पास ईयर है 2009 से लेकर 2016 तक, राइट। हमें क्वेश्चन में दे रखा है चेन बेस नंबर, हमारे पास चेन बेस दिए हुए 134 से लेकर 102.48 तक, हमारे पास फिक्स ईयर दे रखे और चेन बेस इंडेक्स नंबर्स दे रखे हैं। अब हमें उस ईयर और चेन बेस इंडेक्स नंबर को फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको पहले भी कहा था इसका फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, ध्यान रखना आपका फॉर्मूला रहने वाला है चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड बेस, है वो चेन बेस नहीं है, फोकस करना, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100।
तो एक चेन बेस है एक फिक्स बेस है, कंफ्यूज मत होना। सॉल्व कैसे करेंगे मैं सिखाऊंगा आपको। पहले केस में हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हमें कहा गया है चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, वो तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 134.8, राइट। फिर हमें कहा गया है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। सर हमारे पास प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर एज ऑफ राइट नाउ नहीं है, तो नहीं है तो हम अज्यूम कर लेंगे 100, ओके, एंड अगेन डिवाइडेड बाय 100, सो मेरे पहले का आंसर आ जाएगा 134.8, मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा 134.8, क्योंकि मेरे पास फिक्स बेस इंडेक्स नंबर प्रीवियस ईयर का फर्स्ट एंट्री में नहीं था, सेकंड से होगा। देखो सेकंड से कैसे होगा, वापस से चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर जो मेरे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है दैट इज 115.28, सो मैंने लिख दिया 115.28 इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। सर ये रहा फिक्स बेस, दिस इज माय फिक्स बेस, ये जो मैं निकाल रहा हूं दिस इज माय फिक्स बेस, ओके फाइन। सो मेरे पास फिक्स बेस है प्रीवियस ईयर का, यस है, इट इज अगेन 134.8 डिवाइडेड बाय 100। सो चेन बेस तो मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 115.28 इनटू फिक्स बेस मैंने पिछली बार निकाला था दैट वाज 134.8 डिवाइडेड बाय 100, सो माय आंसर वुड बी 155.40, राइट। अब वापस से ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूले का फील हो जाएगा, जैसे कि इसमें आ जाएगा चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, अगेन इट इज सेम 115, सो 115.57 इनटू फिक्स बेस प्रीवियस ईयर का जो हमारे पास ये दिया हुआ है, हमें सीधा का सीधा इसको फॉर्मूले में प्लॉट करना है, दैट वुड बी 155.40 डिवाइडेड बाय 100, ओके। सो मेरा आंसर आ जाएगा इसके अंदर 179.60, मेरा आंसर आ जाएगा 179.60। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिक्स बेस हम लेंगे सेम ईयर का जो हमारे पास दिया हुआ है, राइट, सॉरी चेन बेस हम लेंगे सेम ईयर का जो हमारे पास दिया हुआ है, फिक्स बेस हम लेंगे पिछले साल का जो हमने कंप्यूट किया है, जो हमने कैलकुलेट किया है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 100 करना है, आपको आपके आंसर्स मिलते रहेंगे। सिंपल सा है फॉर्मूले, थोड़ा सा मैंने कहा था ध्यान रखने जैसा। चलो आगे कंप्यूट और करते हैं, इसमें आ जाएगा 107.29 इनटू प्रीवियस ईयर का है मेरा 179.60 डिवाइडेड बाय 100 मैं करूंगा, सो मेरा आंसर हो जाएगा 192.69। नेक्स्ट वन 109 हमारे पास करंट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का मेरे पास था 192.69 डिवाइडेड बाय 100 मैं करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 211.79, ओके है। लास्ट के तीन और बचे वो भी लगे हाथ कर ही देता हूं, सो नेक्स्ट का आएगा आंसर मेरे पास करंट ईयर का है दैट इज 112.80 इनटू प्रीवियस ईयर का मेरे पास था 211.79 डिवाइडेड बाय 100, सो माय आंसर वुड बी 239.89 और 9 समथिंग आएगा, जो भी है देख लेना। नेक्स्ट वन करंट ईयर का दिया हुआ है मुझे 106.24, लास्ट ईयर का निकला था 239.89 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, सो माय आंसर वुड बी 253.81। एंड द फाइनल वन, लास्ट वन, फाइनल वन दैट वुड बी 102.48 हमारे पास करंट गिवन है, लास्ट ईयर का था मेरे पास 253.81 डिवाइडेड बाय 100 करूंगा, माय आंसर वुड बी 260.10, दैट इज माय आंसर। सो इसके साथ में हम लोगों ने हमारा नेक्स्ट वाला कि एक बार वापस से मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, फोकस कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से चेन बेस हमें क्वेश्चन में अवेलेबल है और उससे हमें निकालना है फिक्स बेस। हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है चेन बेस, हमें चेन बेस को फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है, तो चेन बेस को फिक्स बेस में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला लगता है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर का। फिक्स बेस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला रहेगा, ये ध्यान रखना, दिस इज चेन बेस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय फिक्स बेस ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। चेन बेस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय फिक्स बेस ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला रहा था, हमने स्टार्ट किया था सॉल्व करना। पहले केस में हमारे पास चेन बेस दिया हुआ है 134.8, मैंने सेम का सेम लिख दिया, राइट इनफ। हमारे पास प्रीवियस ईयर का दिया हुआ नहीं था, तो जब भी दिया हुआ नहीं होगा उसको हम बेस ले लेंगे 100, डिवाइड बाय 100 क्या हमारा सॉल्व हो गया। एंड नेक्स्ट इज सिंपल सिंपल है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100, करंट ईयर प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100, करंट ईयर प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100, करंट ईयर प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100 एंड सो ऑन, राइट। दो दिस वाज अ फाइनल मेथड, दिस वाज अ फाइनल मेथड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर यूजिंग चेन बेस इंडेक्स नंबर। I hope this is simple and easy for all of us, right enough? So by this we have completed at least 50% of our topic of index number, right? In my next video, मैं आपका बाकी topic भी finish कर दूँगा. That's it for the day.